बात कांग्रेस की खबर की कि अमेठी से इस बार राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। रायबरेली से प्रियंका गांधी भी मैदान में नहीं उतरेंगी। अमेठी और रायबरेली को उत्तर प्रदेश में नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट कहा जाता है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार इस बार दोनों सीटों से दूरी बनाकर चल सकता है। सूत्रों के हवाले से आई इस खबर ने चुनावी माहौल कितना गर्मा दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत करते। कहीं से भी लड़ेंगे हार निश्चित है। चुनाव पहले हार चुके हैं वहां से, यूपी से, और इसलिए वायनाड के जो सुरक्षित सीट है। जब अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर बीजेपी ने नेहरू गांधी परिवार पर हल्ला बोल रखा है, तभी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली और अमेठी में से कहीं से भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, इसे नेहरू गांधी परिवार का फैसला बताया गया। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा देश भर में चुनाव प्रचार पर फोकस करना चाहती हैं, इसीलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। तो वहीं राहुल गांधी को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पार्टी नेतृत्व ने अमेठी से चुनावी मैदान में उतरने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया। हालांकि अमेठी रायबरेली के कांग्रेस नेताओं को अब भी राहुल प्रियंका की हां का भरोसा है। हम सबको भरोसा है राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बचे हुए फेज में साफ करेंगे। वही बीजेपी अब कांग्रेस पर जमकर चुटकी ले रही। अमेठी की पराजय का स्वाद इतना कड़वा था कि अब तक राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेठी किस मुंह से आए। सोनिया जी पहले ही रायबरेली छोड़ करके जा चुकी हैं। अब अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस किनको कैंडिडेट बनाए वो तय नहीं कर पा रही है। अमेठी की तरह रायबरेली में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा तेज रही है कि कांग्रेस रायबरेली या अमेठी में से किसी एक सीट से वरुण गांधी को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन इस पर खुद वरुण गांधी ने कुछ नहीं कहा है। बीजेपी से पीलीभीत सीट से दोबारा टिकट न मिलने पर वरुण गांधी को नाराज बताया जा रहा, लेकिन वरुण के सियासी भविष्य पर जब उनकी मां और बीजेपी के सुल्तानपुर से प्रत्याशी मेनका गांधी से सवाल किए गए तो उन्होंने फैसला चुनाव बाद पर टाल दिया। वरुण को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि उनका राजनीतिक करियर क्या होगा। देखते हैं बेटा, अभी अभी इलेक्शन तो खत्म होने दो। यानी अमेठी रायबरेली में वरुण गांधी वाला टर्न भी आता नहीं दिख रहा। बावजूद इसके राहुल प्रियंका के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने न लड़ने पर सस्पेंस का चैप्टर अब भी खुला हुआ है। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी रायबरेली से तो मैदान में नहीं उतरने वाले, और अगर नहीं तो अमेठी रायबरेली में कांग्रेस किसे टिकट देगी। वो कौन होगा जो नेहरू गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में सीट से परिवार की नुमाइंदगी करेगा। राहुल और प्रियंका के यूपी से चुनाव लड़ने न लड़ने के सस्पेंस पर भारत की बात में स्पेशल रिपोर्ट देखिए अब से कुछ देर बाद रात 8:35 पर। अमेठी टू रायबरेली सबसे बड़ी पहल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।